ये देखो ये वाला लोकेशन है, यहाँ पे आपको देख सकते बहुत सारा क्रूज़ वाला कंपनीज है, वहाँ पे अंदर भी है। आपको ये लोकेशन में आना चाहिए। ये लोकेशन का एड्रेस गूगल मैप लोकेशन में आपको भेजता हूँ, क्योंकि गूगल मैप में तो कुछ और दिखाता है। आप यहाँ पे आ सकते हैं आराम से, और यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। बेटर है आप क्लू की या फिर यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना, बहुत सारा पॉश क्रूसेस का बोट कंपनी का नाम मिलेगा उसमें, वो वेबसाइट में जाके भी आप बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्पीड बोट का टिकट लेके बैठे हैं। अगर आपको सस्ता चाहिए, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, आप क्लूक से करके आ सकते हैं। नहीं आपको ऑनलाइन नहीं देना है, अगर ऑफलाइन आपको हेल्प करना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सब लोग ना पर पर्सन रिटर्न टिकट आपको 3 लाख या 3,50,000 ऐसा सब बोलते हैं टिकट, एक्चुअली 2 लाख है। यहाँ पे भी नीचे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको क्लूक से निकाल के बोला कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने बाद में करके दे दिया 2,25,000 में, 2,25,000 IDR में। ठीक है, थोड़ा इनको दिए ना तो भी चलेगा यार, ज़्यादा ये नहीं करना है ऑनलाइन है ना। अभी देखो, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग और एक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जल्दी आना है तो जल्दी निकल जाओ। हम लोग एक्चुअली 7:30 का बोट पकड़ने आए थे और साला हो गया 8:30 है ना, इसलिए आप प्रॉपरली रहिए, जल्दी आ जाइए। आप जितना सोचो उससे जल्दी आना पड़ेगा, नींद वींद वगैरह छोड़ के आपको यहाँ पे घूमने आना पड़ेगा। देखो कितना लोग है, देखो अभी यहाँ पे। अभी हम लोग बोर्डिंग करने जा रहे हैं। 8:30 का बोट है, लेकिन 8:38 अभी हो गया, इसलिए ये मत सोचे कि 8 o'clock हो गया तो 8 o'clock को ही आप जाएंगे, टाइम लगेगा है ना, इसलिए जल्दी आना पड़ेगा। सुबह सुबह इतना लोग है, इतना जल्दी उठने के बाद भी हमें इतना लेट हो रहा है। हम लोग अभी ये बोट में नूसा पेरेडा हार्बर पहुंचे। आपको ये करना है कि जैसे आप नूसा पेरेडा हार्बर पहुंचेंगे, आप जो लोकेशन में पहुंचेंगे ना, वो लोकेशन आपको गूगल मैप वाला लोकेशन सेव करके रखना। हमने जल्दी किया था, लेकिन आने के टाइम पे हमने कुछ करके आ गए, ऐसा हुआ, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि आपको वापस आने के लिए सेम लोकेशन ऑफिस से आना पड़ेगा। इसलिए आपको जो लोकेशन आपको ड्रॉप करेगा बोट, वो लोकेशन आपको सेव करके रखना है आपका करेंट लोकेशन। और मैंने नूसा पेरेडा में पहले से ही बाइक वाले से बात करके रखा था, और उसका रेट वगैरह बाद में करके रखा था। और आपको मैं वो नंबर भी शेयर कर लिया, अगर आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे पहले से ही वहाँ पर कॉल करके, तो वहाँ जाने के बाद भी आपको बाइक वहीं पर मिल जाएगा, पार्किंग बहुत सारा मिलेगा। अभी हम आटू बीच में हैं, और उस तरफ जाने तो डायमंड बीच है, 10 मिनट वॉकिंग है। यहाँ पे ना रास्ता बहुत ही गंदा है, तो गला ये देखो रास्ता कैसा है, यहाँ पर जाना उतना आसान नहीं है, पानी तो बहुत सुंदर है। अभी से क्या अटू बीच सी, आपको यहाँ पे आराम से 3-4 घंटा गुजार सकते हैं, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है, हम तो नेक्स्ट बीच जाएंगे। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर, बहुत साफ पानी है। ये आप देख सकते हैं, यही अटू बीच है। यहाँ से जो ऊपर जो दिख रहा है ना, उसका मैं फ़ोटो भी हो गया तो शेयर करूँगा, वो डायमंड बीच है। अटू बीच आएंगे तो यहाँ पे आपको नहाने मतलब स्विमिंग करने मिलेगा। डायमंड बीच में सेम चीज़ है, ये पार्ट के उस तरफ डायमंड बीच है। अब इससे अच्छा आप अटू बीच आके, अगर टाइम है 2-3 दिन आएंगे ना, तभी डायमंड बीच इसी यहीं से पैदल जाके आ सकते हैं। मैप में तो अलग दिखता है। रियो से आते हैं ना, यहाँ पे आपको कितना 5,000
आरपी का क्या पार्किंग चार्ज लेते हैं। उससे अच्छा कि रियो उसके पहले ही एक होटल मिलेगा मोड में, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्कूटी रखा है, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं आराम से। और एक हमने गलती किया, गूगल में ना आटू बीच का रास्ता दूसरा दिखाता है। आप जब आटू बीच के लिए आएंगे ना, एक बोर्ड दिखेगा उसमें लेफ्ट भी आटू बीच दिखेगा, ऊपर ना बोर्ड दिखेगा रोड में ना, जो साइन बोर्ड है लेफ्ट भी दिखेगा और सीधा भी दिखेगा। आप लेफ्ट में मत जाइए, आप सीधा में आइए। वहाँ पे आएंगे ना तभी आप आटू बीच और ये ट्री हाउस जो है आसपास है, क्या राजा लिमट ट्री हाउस ना कुछ रोमा ट्री हाउस है, ठीक है, ये दोनों एक साथ है। हाँ, आप वो सीधा वाला आटू बीच में आना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं तो आप वापस 14 किलोमीटर आना पड़ेगा। 14 किलोमीटर मतलब आपको आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा, अगर उधर रास्ता भटक गया तो और भी दूर लगेगा। अगर आपको वहाँ पे दूर दिखे ना, वही डायमंड बीच है, अटू बीच और रोमापोहा नज़दीक है। यही याद रखना कि लेफ्ट वाला अटू बीच का रास्ता नहीं जाना है, सीधा वाला पे आना है। ये आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताएगा। वहाँ पे दूर में जो घर दिख रहा है वही ट्री हाउस है, यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बहुत दूर है। हम लोग ट्री हाउस में नहीं गए, ऊपर से देखे आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर जाए, हम लोग ने नहीं देखा। अट्टू बीच या फिर राइस जो भी हमारा ट्री हाउस है, रोमापोहा ट्री हाउस। अभी देखिए ये जो रास्ता है ये कूटा मतलब वापस जाने के लिए, यहाँ पे जैसे आप इस तरफ जाएंगे ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको आटू बीच है और राइट साइड जाने के लिए एक रास्ता, वहाँ पे रोमापोहा ट्री हाउस है। हमने पूरा नीचे तक नहीं गए, नहीं वहाँ से आते यहाँ पे हमने बोर्ड देखा बियर प्लस पिज़्ज़ा 85 के, तो हम लोग ने पूछ किया इसके साथ हम कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे उसका कॉस्ट था। अब उन्होंने बोला कि एक मॉकटेल भी ऐड कर सकते, तो हमने ड्रैगन फ्रूट वाला जूस लिया 485 के, सिंपल पिज़्ज़ा के लिए 75 के है विद मॉकटेल ऑफ ड्रैगन फ्रूट जूस, वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। तो हम लोग पहले रिचार्ज हो जाएंगे उसके बाद चला जाएंगे। अभी हम लोग आए एंजल बिलीबोंग और यहीं पे ब्रोकन बीच है। हमारा और दो चीज़ था उसको देखने नहीं हुआ हमें। अटू बीच ज़्यादा अच्छा था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। चलो हम लेट हो गए तो हम वापस जा रहे हैं, इसलिए आप लोग आएंगे तो पक्का यहाँ पे 3-4 दिन के लिए मिनिमम आ जाइए। अभी हम लोग दूसरा रे फिश में आ गए, क्योंकि हम लोग आने के टाइम पे जो एंजल बिलीबोंग है, हम लोग वहाँ पे 16:32 ऐसा 35 ऐसा कुछ टाइम पे आ गए, 2 या 5 मिनट लेट हो गए। हम जब गए वहाँ पे जस्ट वो थोड़ा सा पीछे चला गया था, उसके चक्कर में हमें जो क्रूज है वो मिस हो गया। अभी इसलिए हमें मैंने उन लोगों से जो एंजल बिलीबोंग के जो बंदे थे उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बगल वाला बोट के पास लेके गया और वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा 1 lakh IDR पर पर्सन 2 lakh IDR देना पड़ा, मतलब अराउंड इंडियन रुपीज़ में 1100 रुपीज़ समथिंग होगा।
इतना देना पड़ा, उसके बाद हम वापस आए। इसलिए जब वहाँ पे जब भी आप देखने जाएंगे ना, आपको कैसे टाइम जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और वहाँ पे सिर्फ 10-12 किलोमीटर के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा घूमने के, मतलब ट्रैवल करने के लिए। वहाँ पे सिर्फ ट्रैवलिंग में आपका टाइम जाएगा। नूसापरीडा में बहुत छोटा रास्ता है, आप मतलब पूरा टर्न टर्न हो के बहुत छोटा रास्ता टर्न टर्न होता है, उसमें आप जल्दी जा नहीं पाएंगे। इसलिए आप प्रॉपरली आप अलार्म रख लीजिए। हमने सोचा कि हमारे पास अभी एक घंटा सवा घंटा कुछ तो था, लेकिन टाइम कैसा गया पता नहीं चला। हम उतना तेज़ आने के बाद भी ना मिस हो गए। इसलिए आप लोग के साथ ना हो, प्रॉपर टाइम पे आ जाइए। और कितना दिन ट्रैवल करना है सब कुछ, हमारा आइटनरी क्या था और हम जो सजेस्ट करेंगे वो आइटनरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और बस इतना ही, बाद में आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे हम बताएंगे उसमें आंसर्स। बैक टू बाली। ये देखो एंजल विलियम बॉन्ग, ये लोगों ने मुझे छोड़ के आ गया था। वहाँ से यहाँ आने के लिए वहाँ पर हम अराउंड 16:40 4:40 में कुछ निकले थे, या 16:45 ऐसा कुछ होगा। और अभी हो गया 17:39, अराउंड 50-55 मिनट्स बोट राइड है। उसके बाद आपको आने, वहाँ से बाहर आने के लिए ना 1-1.25 घंटा लग जाएगा। उसके हिसाब से आप प्लान करके आज प्लान करना है आपका। सेमैंग बीच ये तो बहुत हैपनिंग जगह है, पूरा शैक्स है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। Here we go!
ये आप देख सकते हैं, ये बाली का मैप है। अभी पूरा मैंने मार्क करके रखा था इंडिया से बाली जाने के पहले ही, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे खूटा है, खूटा आपको लिखा दिखा होगा, वहीं पे आपका एयरपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे खूटा बीच लिखा है ना, यहाँ पे हमारा होटल था। और खूटा बीच से हम ईस्ट गए सानूर हार्बर, सानूर बोलकर लिख के आए हैं, पूरी संतरियान सानूर हार्बर ये सब है ना, यहाँ पे आए हैं। ठीक है, यहाँ सानूर बीच बाली लिखा है ना, मोस्टली इस तरफ है जो हार्बर है, वहाँ से हम लोग गए इस तरफ नूसा पेनिडा भाई, फास्ट बोट। फास्ट बोट जाने के बाद ना हम यहाँ पे ये देखिए पिस्टल पे नूसा पेनिडा से यहाँ पे कहीं ऊपर कहीं गए थे हम, यहाँ पे ये तेजो पीक है ना, इसके ऊपर पे हम हमें ड्रॉप किया था। वहाँ से हमने नॉर्थ होते हुए ऊपर से घूम घूम के हम लोग पहले आए अट्टू बीच के लिए। ये देखिए यहाँ पे अट्टू बीच है, डायमंड बीच है। मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ कि अट्टू बीच जाने के लिए एक लेफ्ट रास्ता मुड़ता है और एक सीधा रास्ता मुड़ता है, आपको सीधा रास्ता वाला में जाना है। मतलब आप अट्टू बीच सर्च मत करो, डायमंड बीच ही सर्च करो, डायमंड बीच आ जाओ, वहीं पर आपको अट्टू बीच में मिल जाएगा। और वहीं के पास में आपको रूमा पावर ट्री हाउस भी आपको दिख रहा होगा, ये भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम साउथ होते हुए हम लोगों ने एक्चुअली प्लान किया था यहाँ पे जाने के लिए, वाटरफॉल भी जा सकते हैं, बहुत कुछ है यार। पलोंग क्लिफ और हेलिंगकिंग बीच जाने की हमने प्लान किया था, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम एक ही दिन के लिए आए थे। उस दिन भी हमारा सुबह का बोट भी लेट हो गया और शाम का जाने का बोट भी वहाँ से जल्दी निकलता है, इसलिए हम जा नहीं पाए। और वहाँ से नहीं गए हम, और हम गए एंजल बिलियम बॉन्ग और ब्रोकन बीच, सेम जगह है, वहीं एंजल बिलियम बॉन्ग है, थोड़ा आगे जाने के बाद ब्रोकन बीच है, वो भी हमने पूरा देख नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसके बाद ये तो मीमम है, क्रिस्टल बे भी बहुत सुंदर है यार, ये भी देख नहीं पाए। उसके बाद हम इससे वापस आए और एंजल बिलियम बॉन्ग हार्बर बोल कर हमने सर्च किया और यहाँ पे आ गए। इसलिए आप जब नूसा पेनिडा पहुँचेंगे, आपका जो करेंट लोकेशन होगा वो सेव करके रखो ताकि आप सेम लोकेशन पे वापस आ सकते हैं। होप आपको एक समझ में आया होगा, इतना तो मिनिमम है आपको घूमने के लिए। अगर एक दिन में आएंगे तो एक या दो दिन में इतना घूम सकते हैं, अगर आप यहाँ पे तीन चार दिन रहेंगे ना आपको पूरा नूसा पेनिडा घूमने हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा छोटा है।